नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सत्य केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम खड़े हैं बीजेपी के युवा नेता रणबीर पंचाल जी के साथ, जहां मीडिया को उड़ती हवा मिली थी कि बीजेपी युवा नेता रणबीर पंचाल जी को अगला आने वाला मंडल अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और सत्य केसरी की टीम पहुंची है रणबीर पंचाल जी के पास, उनके व्यूज जानने के लिए क्या यह जानकारी कहां तक सत्य है। आइए जानते हैं रणबीर पंचाल जी से उनके विचार। हाँ जी रणबीर जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम का परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं सत्य केसरी अपने भाइयों को नमस्कार करता हूं, अपने मीडिया भाइयों को नमस्कार करता हूं। मैं रणबीर सिंह, मेरा नाम रणबीर सिंह है। बसंत विहार कॉलोनी इंद्री विधानसभा से विलोम करता हूँ। कुंज पर हमारा मंडल है। तो रणबीर जी, अपनी राजनीति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? हम काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे पिताजी ने यहाँ से नगर निगम का चुनाव, पार्षद का चुनाव बीजेपी पार्टी के टिकट से भी लड़ा था। तो उस समय में भी हमें पार्टी का बहुत साथ दिया, पार्टी के हर समय हर कार्य में उनके साथ रहे। कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई तो हमने उसको पूरा निभाया। तो रणबीर जी, जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि आप बीजेपी पार्टी से शुरू से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं बीजेपी की, तो आपने अपने यहाँ पर कॉलोनी में हो या चाहे आपकी जानकारी में इंद्री हलका में क्या क्या विकास कराए आपके द्वारा? देखो, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने कराए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी जो जिम्मेवारी थी, मैं हूँ मंडल उपाध्यक्ष, कुंजपुर में मंडल उपाध्यक्ष की मेरी जिम्मेवारी है, और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो पार्टी ने मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया था, और वसंत विहार कॉलोनी में माननीय मंत्री श्री कर्णदेव काम्बोज, हमारे यहाँ के विधायक थे, मंत्री जी थे, उन्होंने वसंत विहार में लगभग 60 करोड़ के कार्य पास कराए थे जो आज चल रहे हैं। और एक हमारी बसंत विहार में विकास समिति भी बनाई गई थी, मुझे उसका प्रधान बनाया गया था। तो उस समिति के द्वारा ही मैंने अपने बसंत विहार में सामुदायिक केंद्र बनवाया, और एक अपने बिहारी समाज की धर्मशाला बनवाई। कुछ अधूरा पड़ा काम था लंगर हाल में, शिव मंदिर में, उसका भी कार्य अधूरा था, वो पूरा कराया। हर गलियों में अब काम चला हुआ है, और सड़कें भी बनेंगी। लगभग जो पीने वाले पाइप लाइन है उसका भी 90% तक काम हो चुका है, और आने वाले 6-7 महीने में लगभग बसंत विहार की सब सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये पार्टी ने बसंत विहार की तरफ बहुत ध्यान दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये पहली सरकार है जिस उन्होंने बसंत विहार में 35 साल में लगभग 60 करोड़ के कार्य चलाए हुए हैं। तो मैं आभारी हूँ इस सरकार का। और हमारे अब जैसे चुनाव हुए थे पीछे, श्री राम कुमार कश्यप जी को टिकट मिली थी, तो मेरी बसंत विहार कॉलोनी वासियों ने उनको 5 बूथों से जिता कर भेजा है। तभी तो जिताया कि तब बसंत विहार में काम चल रहे थे, अब जो रुके हुए कार्य है उनको भी हम पूरा कराएंगे। मेरे साथ मेरी जो टीम जुड़ी हुई है वो भी बड़ी अच्छी है, मेरे बसंत विहार के कार्यकर्ता है वो भी बड़े अच्छे हैं, दिन रात मेरा साथ देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ भाई साहब, पार्टी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पे। जैसा कि इंद्री विधानसभा में कुंजपुरा मंडल अध्यक्ष बनाने की चर्चा चली हुई है, और उस चर्चा में आपका नाम सबसे पहली पंक्ति में आ रहा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह बात सत्य है कि आपको आने वाला नया मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है? देखो, मंडल अध्यक्ष की जो बात रही है, माननीय श्री नंदलाल पंचाल जी हमारे कुंजपुरा के मंडल अध्यक्ष है, वो बहुत अच्छे इंसान है, दिन रात अपने कार्यकर्ताओं का काम कराते हैं, अपने मंडल की
हमेशा सबसे अव्वल दर्जे पे उनका आज तक मंडल रहा। तो मैं यही कहता हूँ कि बहुत जो मंडल अध्यक्ष का पद उनका है, उन्होंने अपना अच्छे काम किए, तो उनसे सब खुश है। मैं तो उनको यही बधाई देता हूँ कि बस अपने मंडल में जो भी मंडल अध्यक्ष बने, वो जैसे नंदलाल ने अपने काम संभाले है, वो भी इसी तरह संभाले। और मंडल अध्यक्ष की रही जानकारी मुझे इसके बारे में, अभी नए मंडल अध्यक्ष के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, और कैसे मेरा नाम आ गया है मुझे इसके बारे में नहीं पता। मेरे से तो अभी सीनियर भी है, मेरे से सीनियर भी है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरे से सीनियर है मंडल अध्यक्ष की लाइन में। तो मैं तो ये चाहता हूँ, ये संगठन का काम है, पार्टी का काम है, वो जो उनको ठीक लगेगा वो करे। मैं तो जिसको भी वो बनाना चाहते हैं, मैं तो उनका सहयोग करूँगा। मैं मेरा कोई अपना वो नहीं है, मैं खुद ये नहीं कहता भी मैं मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी को जो भी कार्यकर्ता अच्छा लगे, जिसने हल्के में काम अच्छा किया हो, जिसका सभी कार्यकर्ताओं ने काम पसंद हो, मैं तो कहता हूँ भाई पार्टी उसी को मंडल अध्यक्ष बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और एक आशा करती है कि आने वाले कुंजपुरा मंडल अध्यक्ष आप बने। यह सभी से अपील भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।